नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई भर्ती के बारे में कि एलटी ग्रेड भर्ती क्या होती है, यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो कहाँ पर नियुक्त होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में ए टू जेड से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जो वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन छात्रों के लिए बना रहा हूँ जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, अभी बिल्कुल भी उनको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो उन्हीं के हिसाब से है, अगर आपको इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एलटी ग्रेड होता क्या है दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी जिसको हम लोग GIC बोलते हैं या GGIC बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, चयन होता है, सिलेक्शन होता है। यहाँ पर बॉयज़ की भी नियुक्ति होती है और गर्ल्स की भी नियुक्ति होती है, लेकिन कैटेगरी दोनों की अलग अलग होती है। बॉयज़ की वैकेंसी अलग आती है, गर्ल्स की वैकेंसी अलग आती है। गर्ल्स सिर्फ गर्ल्स में ही अप्लाई कर पाएंगी और बॉयज़ सिर्फ बॉयज़ में ही अप्लाई कर पाएंगी, ये इसकी खास बात है, ठीक है। तो GIC में यहाँ पर अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, पूर्णतः सरकारी नौकरी है, किसी प्रकार से कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। और जो एलटी ग्रेड टीचर होता है, एलटी ग्रेड टीचर, ठीक है, ये स्पेशली जो नियुक्त होता है वो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए नियुक्त होता है, लेकिन अगर विद्यालय में टीचर्स की कमी है तो आपको 6th, 7th, 8th की क्लासेस भी पढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादातर पढ़ानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ओवरऑल कि एलटी ग्रेड होता क्या है, क्या वर्क होगा, टीचिंग होता है इन क्लासेस में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको जॉब लेना है तो भर्ती कैसे आती, कहाँ से आती है, तो जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है वो UPSC के थ्रू होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फिलहाल यही भर्ती करवा रही है इस समय, ठीक है। इससे पहले मेरिट के आधार पर भर्तियाँ होती थी, अब लिखित परीक्षा से होने लगी भर्तियाँ, तो UPSC के थ्रू भर्ती आपकी आएगी। 2022 में जल्द ही संभावना है कि भर्ती आपको आएगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो संबंधित विषय से, प्लस आपने BEd किया हो, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस BEd जो है आपके पास होना चाहिए, अगर आप इतना है तो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर पद ऐसे होते हैं जैसे सपोज कर हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया या साइंस हो गया, इन विषयों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज करो कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन में, समझना ध्यान से, ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा है, ठीक है, जियोग्राफी पढ़ा है और प्लस उसने सपोज करो एक ले लिया इंग्लिश ले लिया, ठीक है, ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो दोस्तों क्या ये अभ्यर्थी हिंदी विषय के लिए आवेदन कर पाएगा, तो इसका आंसर नहीं, हिंदी विषय के लिए बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंदी विषय में वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो संस्कृत पढ़े हों, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। जो TGT PGT में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वही यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता ज़्यादातर, ठीक है, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ग्रेजुएशन प्लस BEd वाले आवेदन कर पाएंगे। क्या इसमें टेट या सीटेट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा देखा होगा बाकी जो भर्तियाँ होती हैं उसमें टेट या सीटेट मांगा जाता है, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि UP की एलटी ग्रेड भर्ती में टेट या सीटेट की रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल नहीं है, आने वाले टाइम पर लागू किया जा सकता है। जैसा आप लोग जानते हो कि माध्यमिक स्तर का टेट करवाया जाएगा जिसको टेट Level 3 बोलेंगे, वो भी भविष्य में लागू हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ये चीज़ें लागू नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस BEd आपका होना चाहिए। एज की बात कर लेते तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है आपका वो है 40 ईयर्स, जनरल के लिए है, अधिकतम 40 वर्ष एज होनी चाहिए, 40 के ऊपर होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो रिजर्व कैटेगरी होगी वो नियमानुसार एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगी, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल, किसी को कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से रहेगी, बाकी अधिकतम जो एज है वो 40 साल ही है,
ठीक है। अब यहाँ पर चयन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम होता है, जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम के बेस पर होगा, केवल एक ही पेपर होगा, वन पेपर, ठीक है, ना कोई प्री ना कोई मेंस। लेकिन भविष्य में योजना है कि इसमें प्री और मेंस लागू किया जा सकता है, जैसा समाचार पत्रों के माध्यम सूचना निकल करके आ रही है कि इस बार प्री और मेंस लागू हो सकता है। फिलहाल अभी ऐसा प्रस्ताव सिर्फ है और अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, तो फिलहाल अभी ये मान लीजिए कि सिंगल पेपर ही होगा। अब जो पेपर होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा, यहाँ पर जो पेपर होंगे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। 150 क्वेश्चन में जो आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे जिस वजह से आपने आवेदन किया होगा। और जो 30 क्वेश्चन रहेंगे आपका वो जीएस के रहेंगे। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। तो इस तरीके से जो आपकी मेरिट बनेगी 150 में से ही बनेगी। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, कोई डाउट नहीं है। जो लोक सेवा आयोग की भर्तियों में होता है नेगेटिव मार्किंग, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या इसमें इंटरव्यू होगा, तो दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, ना कोई वेटेज वगैरह का नंबर मिलेगा, सिर्फ लिखित परीक्षा ही होगी आपकी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रिटन एग्जाम होगा, उसी के आधार पर आपका चयन होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी वेटेज नहीं होगा। अब बात करें क्या इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं या सिर्फ हमें कितने भी नंबर ले आए तो हम क्वालिफाई हो माने जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बता दें 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आपका लागू है, ठीक है। ये जनरल के लिए है, एससी के लिए, यहाँ पर एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी के जो भी हैं उनके लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। 150 का अगर आप 40% निकालते हैं तो आएगा आपका 60 मार्क्स। अगर आप लिखित परीक्षा में 150 में कम से कम 60 मार्क्स लेकर के आते हैं तभी आप क्वालिफाई की कैटेगरी में जाएंगे और तभी आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप इस 40% के नीचे रह जाते हैं तो आप सीधे सीधे फेल हो गए, आपकी कट ऑफ बनेगी ही नहीं, ठीक है। सब अब अगर बात करें कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितनी जाती है, दोस्तों बता दें कि 2018 में भर्ती हुई थी, इसमें से 10,768 पदों पर भर्ती हुई थी, ठीक है। इसमें ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक जारी नहीं की गई, उम्मीद है कि जल्द ही कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, क्योंकि अभी हाईकोर्ट के आदेश कुछ आए हुए हैं, उनको देखते हुए लोक सेवा आयोग विभिन्न पुराने भर्तियों की कट ऑफ जारी कर रहा है। उम्मीद है कि इसकी भी कट ऑफ जारी होगी। अगर इसकी ऑफिशियल कट ऑफ जारी होती है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बात करें इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, किसी के 90, किसी के 95, किसी के 100, किसी के 105, किसी के 110, इस तरीके से जाती है लगभग, ठीक है। आप बहुत सारे वीडियो इसके बने हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप लोग उनको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे सकते हैं। ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक जारी नहीं की गई है, ठीक है। अब अंत में बात कर लेते हैं इसको सिलेबस के बारे में, भाई सिलेबस कहाँ मिलेगा, कैसे इसकी हमें तैयारी करनी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दोस्तों आपको बता दें इसका जो सिलेबस है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप सर्च करिएगा AB Tech 123, जिसे सर्च कर देंगे हमारे टेलीग्राम को मिल जाएगा। 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, आप पहचान जाएंगे आराम से, ठीक है। और साथ में हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी सिलेबस अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है लोक सेवा आयोग की साइट पर भी आपको सिलेबस मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, क्या क्या नए बदलाव हो सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दिया। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हमारा चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है टीचिंग जॉब्स के लिए, तो अगर आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।